नेक्स्ट फॉर्मूला लिखो फॉर्मूला लिस्ट में, गैस कांस्टेंट या यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसका सिंबल क्या होता है आर। आप पढ़ते हैं केमिस्ट्री के अंदर तो आपने इक्वेशन सुनी होगी पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, तो यहां पर आर इज इक्वल टू पी इंटू वी बाय एन इंटू टी। ठीक है यहां तक? तो इसके अंदर प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला क्या था, एक बार चेक करके बताएं प्लीज। प्रेशर का एम एम एल माइनस वन टी माइनस टू, चेक करें यही है प्रेशर? यस सर। ठीक, वी फॉर नो, केमिस्ट्री में कौन सी वेलोसिटी होती है, वॉल्यूम, ध्यान से। तो वी फॉर वॉल्यूम एल का क्यूब डिवाइडेड बाय एन नंबर ऑफ मोल्स हैं, वन टू थ्री नंबर इसको लेते नहीं, टी फॉर टेम्परेचर केल्विन केल्विन, तो आंसर आएगा एम एल टू टी माइनस टू के माइनस वन। ये यूज हो जाता है कभी कभी। ठीक है, तो आपके लिस्ट में एक और फॉर्मूला नोट हो गया, पर इसमें ज्यादा हेडिक नहीं है क्योंकि पीवी इक्वल टू एनआरटी का फॉर्मूला याद होता ही है सबको। इसके बाद जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। सुना हुआ है? सुने नहीं सुना? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट ये करेंगे हम। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है गैस कांस्टेंट आर डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। ठीक, एक बात बताओ, गैस कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है? गैस कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला है एम एल टू टी माइनस टू के माइनस वन, और एवोगैड्रोस नंबर तो यार नंबर ही है, इसका कौन सा को डायमेंशन फॉर्मूला है? तो आंसर रिमेन्स सेम। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड गैस कांस्टेंट सेम डायमेंशन फॉर्मूला। ठीक है यहां तक? तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और गैस कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम, कोई डाउट इसमें? ठीक है, नेक्स्ट इज नेक्स्ट है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी या हीट एनर्जी। हीट एनर्जी, चाहे किसी भी टाइप की एनर्जी हो, कोई फॉर्मूला चाहिए ही नहीं, एम एल टू टी माइनस टू, काइनेटिक पोटेंशियल वाला सेम लगाना है, कोई फर्क नहीं। क्लियर है यहां तक? तो इसमें कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं है, चाहे काइनेटिक एनर्जी, चाहे वर्क डन, चाहे पोटेंशियल एनर्जी, चाहे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, चाहे हीट एनर्जी, फॉर्मूला रिमेन्स सेम। ठीक, यहां तक क्लियर है? कोई डाउट इसमें? ठीक, नेक्स्ट है, नेक्स्ट इज स्पेसिफिक हीट। सुना हुआ है स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला? तो फॉर्मूला होता है, हम करेंगे ये, Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, वेयर Q इज हीट एनर्जी। ये हीट एनर्जी है, M का मतलब यहां पर मास है, C का मतलब यहां पर स्पेसिफिक हीट है, और T का मतलब यहां पर टेम्परेचर है। तो स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या बनेगा? Q डिवाइडेड बाय M डेल्टा टी। ठीक है, तो ये बताओ कि फॉर्मूला क्यू का होता क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ना, तो क्या आएगा? एम एल टू टी माइनस टू। मास का क्या होता है? एम। टेम्परेचर किस में मेजर करते हैं? केल्विन। एम से एम कैंसल, तो एल टू टी माइनस टू के माइनस वन आंसर। ठीक है यहां तक? जब तो ले लेना भी।
ठीक है यहां तक। नेक्स्ट फॉर्मूला लेटेंट हीट, नेक्स्ट फॉर्मूला लेटेंट हीट, लेटेंट हीट का फॉर्मूला, लेटेंट हीट को L से रिप्रेजेंट करते हैं L, तो फॉर्मूला Q इज इक्वल टू एम एल होता है, L फॉर लेटेंट हीट, तो L का फॉर्मूला क्या बनेगा, Q बाय मास, Q इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एम एल टू टी माइनस टू डिवाइडेड बाई मास का मतलब यहां पर m, m से m कैंसल, आंसर एल टू टी माइनस टू। ठीक, क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट इज, नेक्स्ट इज थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी काफी कम यूज होती है, इतनी कम कि मैंने इसके ऊपर आज तक न्यूमेरिकल नहीं देखा, पर फिर भी पता नहीं किस्मत खराब हो जाए तो मैं कह नहीं सकता, स्कूल का टीचर सोचे अच्छा ट्यूशन पढ़ के आए हैं, अब तो थर्मल कंडक्टिविटी देखते हैं क्या पढ़ के आए हैं, थर्मल कंडक्टिविटी क्वेश्चन डालता हूं, तो लिख लो थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है कि K एक नंबर है जो ये बताता है कि कोई भी कंडक्टर कितना गुड कंडक्टर है हीट का, अगर हीट का बहुत गुड कंडक्टर है तो K बहुत बड़ा होगा, और अगर बहुत अच्छा कंडक्टर नहीं है तो कम होगा, और इंसुलेटर है तो K तो बिल्कुल जीरो होगा। तो हीट का फॉर्मूला है ये, हीट इज इक्वल टू थर्मल कंडक्टिविटी एरिया इंटू डेल्टा टी डिवाइडेड बाई लेंथ, तो थर्मल कंडक्टिविटी के फॉर्मूले में ए इज एरिया, दिस इज टेम्परेचर, दिस इज लेंथ, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके के का फॉर्मूला आएगा क्यू एल ए डेल्टा टी, हीट एम एल टू टी माइनस टू है, लेंथ एल है, एरिया एल स्क्वायर है, टेम्परेचर केल्विन है, पुट कर दिया। तो यहां से जब आप पुट करेंगे, ठीक, जब आप यहां पर पुट करेंगे तो सॉल्व करके एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो एम एल टी माइनस टू के माइनस वन इज द आंसर। ठीक है यहां तक। मतलब लिस्ट में लगा लेंगे अगर काम आ गया, ठीक है, नहीं आया कम से कम फॉर्मूला तो पता ही है क्या करना है। तो लास्ट चार पांच फॉर्मूला रह गए, इसको क्लोज करते हैं, कोई और चाहिए होगा तो ऐड कर लेंगे, नहीं तो मेरे ख्याल से मोर देन सफिशिएंट है इतने फॉर्मूला, मोर देन सफिशिएंट वो फॉर्मूलाज भी थे जो लास्ट टाइम करवाए थे, पर गैस कांस्टेंट वाला यूज हो जाता है इसलिए मैंने करवा दिए। तो नेक्स्ट फॉर्मूला, नेक्स्ट फॉर्मूला, एक बात बताओ, कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट था, याद है ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला क्या था बताना, एम चेक करके, एम माइनस वन एल टी, ओके ये रहा फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला इज ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, या फिर इसको ऐसा भी बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ, तो इसका फॉर्मूला होता है माइनस जी एम बाय आर का स्क्वायर, माइनस साइन यहां पर कोई सिग्निफिकेंस रखता नहीं है क्योंकि डायमेंशनल फॉर्मूला माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो कैपिटल जी का डायमेंशन फॉर्मूला एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू, मास का एम और रेडियस का एल का स्क्वायर, तो कैंसल होगा यहां पर एम और एम, एल और एल भी कैंसल होगा, आंसर इज एल टी माइनस टू आंसर आ जाएगा बस कैंसल होने के बाद।
नहीं, बस ई फॉर्म, हाँ है वैसे, इंटेंसिटी को ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ई से ऐसे, पर क्या करना है, ई में कन्फ्यूजन ही तो है, तुम्हें तो एमएलटी चाहिए, तुमने इक्वेशन बना के क्या करना है, मैंने सीधा फॉर्मूला ही लिख दिया, जब जैसे पोटेंशियल जी एमजीएच है तो इक्वल टू करके क्या करना है, तो इसलिए मैंने कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैंने लिखा ही नहीं इसका सिंबल क्या है, बस आंसर। ठीक है, तो लास्ट तीन फॉर्मूला रह गए, फिर हम क्लोज करते हैं इसे। तो नेक्स्ट फॉर्मूला इज ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इसका फॉर्मूला है माइनस जी एम बाय आर, बस। तो ऊपर वाला सेम रिजल्ट है, एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू इंटू एम और आर की जगह एल, तो आंसर आएगा एल टू टी माइनस टू, सब कैंसिल करने के बाद ही आंसर आएगा। क्या पॉइंट क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें? ठीक, ये तो प्लस वन के फॉर्मूलाज थे, दो फॉर्मूलाज मैं प्लस टू के करवा रहा हूं, ऑब्जेक्टिव के अंदर तो आपको ये दो फॉर्मूलाज बहुत फ्रीक्वेंटली दिखेंगे, मेंस और नीट में तो आम दिखते हैं दोनों फॉर्मूलाज, बट स्कूल के अंदर कई बार टीचर नहीं डालते, मर्जी है यार, कई बार डाल भी देगा तो आप क्या कर लोगे, डाल दिया डाल दिया, कुछ कह तो ना सकते हो। तो हम दो फॉर्मूलाज और नोट कर लेते हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी, अगर आ गए तो आप ये दो फॉर्मूलाज नोट कर लो। पहला फॉर्मूला इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वैसे कर लिया था हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, नहीं किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस एक ही बात है, ये आपने सुना होगा फॉर्मूला वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन का क्या होता है एम एल टू टी माइनस टू और चार्ज का क्या होता है एम्पियर इंटू टाइम, करंट इंटू टाइम चार्ज होता है, करंट इंटू टाइम, तो करंट एम्पियर इंटू टाइम, तो आंसर इज एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस वन। ठीक है यहां तक? ठीक है, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, इसका सिंबल है एप्साइलन नॉट, मैंने बताया था सिंबल का नाम एप्साइलन और नॉट। ये ना कूलम्स लॉ करके एक लॉ आएगा प्लस टू में, कि अगर आपके पास दो चार्जेस हैं या तो वो अट्रैक्ट करेंगे या वो रिपेल करेंगे, वो कितनी फोर्स से अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे उसका फॉर्मूला है वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन इंटू क्यू टू बाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। चलो ये प्लस टू का फॉर्मूला है, हमारा मतलब एप्सिलॉन नॉट से है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्यू वन इंटू क्यू टू एफ इंटू आर स्क्वायर, वन बाई फोर पाई तो कॉन्स्टेंट है, चार्ज क्या है एम्पियर टाइम, सेकेंड चार्ज क्या है एम्पियर टाइम, फोर्स क्या है एम एल टी माइनस टू और आर क्या है एल का स्क्वायर। तो इससे सॉल्व करेंगे तो आएगा ए स्क्वायर टी की पावर फोर हो जाएगी, एम की पावर माइनस वन हो जाएगी, एल की पावर माइनस थ्री हो जाएगी आंसर। तो कई बार ये ऑब्जेक्टिव के अंदर पूछ लेते हैं प्लस टू में, तो नॉर्मली प्लस टू की क्लास में तो आता है, पूछा जाता है, प्लस वन में हो सकता है ना पूछें क्योंकि ये प्लस टू का फॉर्मूला है, उसमें प्लस वन के फॉर्मूला पूछें, तो फिर भी आप नोट कर लें कभी काम आ जाए तो ये फॉर्मूला को हम यूज करेंगे, वैसे बहुत फ्रिक्वेंटली यूज फॉर्मूले में से नहीं रहेगा ये। ठीक, और लास्ट फॉर्मूला, इसके बाद फॉर्मूला के लिए क्लोज और सेकेंड एप्लीकेशन करेंगे जो बहुत इंटरेस्टिंग है। सेकेंड एप्लीकेशन में आपको दो क्वेश्चन करके दिखाऊंगा,
आपसे उसके बाद तीन क्वेश्चन पूछूंगा। अगर आपने तीनों के तीनों सही आंसर दे दिए, एप्लीकेशन नंबर टू एकदम क्लियर है आपको, दूसरा बैच नहीं दे पाया, देखते हैं आप में से कितने दे पाएंगे। ठीक, ठीक। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, सॉरी मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, इसका सिंबल है म्यू नॉट। ये प्लस टू के मैग्नेटिक इफेक्ट में आता है, मैग्नेटिज्म के अंदर। एक्चुअल क्या होता है कि अगर दो वायर्स हैं, दोनों में करंट है, दोनों पैरेलल पड़ी हुई हैं, या तो वो अट्रैक्ट करेंगी या वो रिपेल करती हैं। करंट कैरिंग वायर क्यों अट्रैक्ट रिपेल करती हैं? क्योंकि करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती हैं, उस चक्कर में अट्रैक्शन रिपल्शन हो जाता है। तभी तो जो वायर्स खंभे पे लगी होती हैं वो एकदम पैरेलल तीन कस के बांध रखी होती हैं, अगर पैरेलल हो जाएं हो सकता है वो अट्रैक्ट भी कर जाए। ठीक, पर चलो प्लस टू का काम है वो। तो कितनी फोर्स से अट्रैक्ट या रिपेल करती हैं उसका फॉर्मूला प्लस टू में करवाया जाता है, 2 × I1 × I2 डिवाइडेड बाई लेंथ, ये फॉर्मूला है। तो म्यू नॉट को निकालना है हमने एक तरफ, एफ इंटू 4π × लेंथ बाई 2 × I1 × I2, ये रहा। F का डायमेंशन फॉर्मूला MLT − 2, 4π का तो होगा नहीं, लेंथ का L होगा, करंट का क्या होगा एम्पियर इंटू टाइम होगा, और करंट का एम्पियर इंटू टाइम होगा कुछ ऐसे। तो ऐसे सॉल्व करेंगे, M का M हो जाएगा, L स्क्वेयर हो जाएगा, T − 4 हो जाएगा और A − 2 हो जाएगा, ऐसा कुछ ये फॉर्मूला बन जाएगा। बस ये लास्ट फॉर्मूलाज हैं, फॉर्मूला की लिस्ट है।